हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये देखिए, ये छोटा सा बहुत ही प्यारा डिजाइन है। सिर्फ चार सिलाई का डिजाइन है। इसमें चार सिलाई हमें बार बार रिपीट करनी है। और इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए। 6 मल्टीपल करने के बाद एक फंदा एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। और ये हमारे डिजाइन की सीधी साइड है। सीधी साइड इस तरह से नज़र आती है और ये हमारे डिजाइन की उल्टी साइड है। उल्टी साइड हमारी हर बार जो सिलाई बनेगी उल्टी ही बनेगी, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। इसमें इसे बनाने के लिए हमने इसमें 19 फंदे लिए हैं। 6 मल्टीपल करने के बाद 18 फंदे हैं, फिर एक फंदा लास्ट में है एक्स्ट्रा, ठीक है। और ये हमारी पहली सिलाई है सीधी साइड। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, बाकी सभी फंदों को सीधा बनाकर सिलाई को पूरी करेंगे। पहली सिलाई हमारी पूरी सीधी ही बनेगी। इसे हम सीधी बना लेते हैं पूरी सिलाई को। ये डिजाइन बहुत आसान है और जल्दी से बन जाता है। दो सिलाई ऐसे ही सिंपल बनेंगे, फिर तीसरी सिलाई पर डिजाइन बनाना होता है। तो छोटा सा डिजाइन है, बहुत सुंदर लगेगा बच्चों के स्वेटर में, बड़ों के स्वेटर में, किसी में भी बना सकते हैं। तो ये हमारी पहली सिलाई पूरी हो गई। दूसरी सिलाई है उल्टी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, बाकी के सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाकर सिलाई को पूरी करेंगे। इस तरह से ये बहुत जल्दी से बनने लग जाता है। डिजाइन बहुत आसान है। इस तरह से दूसरी सिलाई हम पूरी कर लेते हैं। ये दूसरी सिलाई भी उल्टी हमने पूरी कर ली है। दो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तीसरी सिलाई है सीधी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन आगे लेकर आएंगे। यहाँ से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करते हैं। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, तीन फंदे लेंगे, 1 2 3। इन तीन फंदों से हम तीन फंदे बनाएंगे उल्टे बनाते हुए। इस तरह से पहले एक फंदा बनाया, तीनों को एक साथ एक फंदा बन गया। इन्हें हम उतारेंगे नहीं, फिर सिलाई पर इस तरह से ऊन लपेटेंगे। ये दो फंदे बन गए। फिर से इन तीन फंदों को लेंगे और फिर से एक फंदा बनाएंगे उल्टा। इस तरह से ये तीन फंदे बन गए, 1 2 3, ठीक है। अब ड्रॉप करेंगे इन फंदों को। अब फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे, एक फंदा सीधा। इस तरह से ये देखिए, पहला फंदा छोड़ने के बाद हमने एक फंदा उल्टा बनाया, फिर तीन फंदों से तीन फंदे बनाए उल्टे बनाते हुए, फिर एक फंदा उल्टा बनाया, फिर एक फंदा सीधा बनाया। यही 6 फंदे हमें आगे बार बार रिपीट करने हैं। 1 2 3 4 5 छः, 6 फंदे हैं ये। अब फिर से यही फंदे रिपीट करेंगे, उन आगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे, तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे उल्टे बनाते हुए, 1, फिर ये इस तरह से ऊन डाल लपेटेंगे सिलाई पर, 2 फंदे, फिर से उल्टे बनाएंगे तीनों को एक साथ, 3, तीन फंदे बन गए, फिर एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, एक फंदा सीधा। ये दो डिजाइन हुए हमारे। ऊन आगे लेकर आएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे उल्टे बनाते हुए, 1 फंदा, फिर ऊन लपेटेंगे इस तरह से, फिर इन्हीं फंदों को दोबारा से बनाएंगे, तीनों फंदों को एक साथ, 3, ये 3 फंदे बन गए, 1 2 3, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे, आखिर में एक फंदा सीधा बना लेते हैं। इस तरह से ये हमारी तीसरी सिलाई भी कंप्लीट होते हैं। और ये हमारे 3 डिजाइन बनकर आए हैं, 1 2 और ये 3। चौथी सिलाई है रॉन्ग साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर से हम ये सिलाई पूरी उल्टी बना लेनी है। इस तरह से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाकर सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बन के नज़र आने लगता है ये डिजाइन। इस तरह से एक एक फंदा बुनते जाएंगे। इस तरह से ये हमने 3 फंदों से 3 फंदे बनाए थे, वे फंदे हैं। इस तरह से आराम से इनको निकालेंगे। इस तरह ये चौथी सिलाई भी पूरी होती है, ठीक है। चार सिलाई पूरी होने के बाद ये देखिए, बहुत प्यारा सा डिजाइन बनकर आया है, इस तरह से उभरा हुआ। तो हम फिर से फर्स्ट रो से रिपीट करेंगे। चार सिलाई हमारी पूरी हो गई है, फिर से हम फर्स्ट रो से रिपीट करके दिखाएंगे आपको। रिपीट अगेन, पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सभी फंदों को सीधा बनाकर सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारा डिजाइन बनकर आएगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई भी हमारी पूरी हो गई है। ये देखिए इस तरह से, ये किसी भी कलर में बनाया बहुत ही अच्छा लगेगा। चार सिलाई बार बार रिपीट करने पर इस तरह से ये डिजाइन बनकर आएगा। ये देखिए चार सिलाई रिपीट करने पर इस तरह से बनकर आएगा ये डिजाइन, बहुत ही सुंदर है। बच्चों के स्वेटर में बनाए, बच्चों के बड़ों के स्वेटर में बनाए, कार्डिगन में बनाए, जैकेट में बनाए, हर प्रोजेक्ट में बनाए, हर प्रोजेक्ट में बहुत ही सुंदर बनकर आएगा। आपको मेरा डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।